अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रूबी ब्यूटी टिप्स चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप 7 दिन में कैसे अपने टैन को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल गर्मियों में बहुत सारे लोगों को सन टैन, सन बर्न एंड बहुत सारी चीज़ें उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे कि आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन या तो फिर डार्क स्पॉट भी है ना, उसको भी रिमूव करेगा ये। इतना ज़बरदस्त सा पैक है और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ और ग्लो करने लगेंगी। और जिनके चेहरे पे अगर सन टैन भी नहीं है वो भी लगा सकते हैं, इससे चेहरे पे ग्लो आपके बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा एंड आपके जो भी डार्क स्पॉट भी है उसको भी ये ख़त्म करेगा। जी हाँ, तो देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू का बेल आइकन दबा दें। रूबी ब्यूटी टिप्स चैनल पे आप सभी को मिलते हैं हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर। और ये जो रेमेडी मैं आप सभी शेयर कर रही हूँ ये 100% आपको रिजल्ट देंगी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाते कैसे है। तो इसका बनाना बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन के जो इतने फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसन अच्छा है क्योंकि डार्क स्पॉट्स और ज़्यादा पिगमेंटेशन और आप सभी की टैनिंग को रिमूव करने की उतनी ज़्यादा ये हिम्मत रखता है। जी हाँ, और ये बेसन आपको ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून यानी कि फुल 2 टेबल स्पून के उतना आप सभी लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो आपको भी इतना ही ले लेना है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में लोग सिर्फ बेसन से ही अपना मुंह धोते थे, इतना ये साफ़ करता है। जी हाँ, सिर्फ अगर आप बेसन को भी रगड़ लेने ना अपने चेहरे पे, वो इतना क्लीन कर देगा आपका फेस। जी हाँ, ये इतना ज़बरदस्त है। और मैं नेक्स्ट यहाँ पे इंग्रेडिएंट ले रही हूँ ओट मिल्क का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है, मान लो आपके पास नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 1 टीस्पून का मैंने यहाँ पे ले लिया है। बेसन का सब्स्टिट्यूट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को मिला करके पावर मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो अगर आप है तो ज़रूर इस्तेमाल। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सैंडलवुड का पाउडर, अल्स गुडनेस का सैंडलवुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सैंडलवुड और रोज मिक्स है इसमें, सिर्फ आप सैंडलवुड भी ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून के उतना मैंने यहाँ पे सैंडलवुड का पाउडर ले लिया है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लूँगी कस्तूरी हल्दी यानी वाइल्ड टर्मेरिक। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मेरिक नहीं है तो आप किचन हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, आंबा हल्दी जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइल्ड टर्मेरिक यूज़ करेंगे तो अच्छा है। तो मैं 1/4 चम्मच के ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि आपका फेस येलो हो सकता है, तो आप सभी को मैं पहले ही बता दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को ब्राइटन और स्मूथन कर देता है, और अंदर की जितनी भी गंदगी है और टैन और डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। सिर्फ कॉफ़ी से ही आप अपने चेहरे को एकदम ब्राइट, एकदम क्लीन सा बना ले सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ हनी। हनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे स्किन के लिए, कितनी ज़्यादा अच्छी है सभी जानते हैं। अगर सिर्फ आप अपने हनी अपने चेहरे पे अप्लाई कर ले, सिर्फ आप हनी अपने चेहरे पे लगा ले, तो आपकी जो स्किन है एकदम ऐसी क्लीन हो जाएंगी, कोरियन स्किन हो जाएंगी। इससे अगर आप मसाज करेंगे तो ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती है, और आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करती है और पिम्पल्स को भी रिमूव करती है और दाग धब्बों को भी हटाती है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टीस्पून का हनी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कर्ट। कर्ट में होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन एंड स्मूथ कर देता है, और आपकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह उसको भी ख़त्म करता है। और जब भी आप कभी भी आप देखे होंगे अपने स्किन पे आप कर्ट लगा रहे हो, दही अप्लाई करते हो, तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ सी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस कर्ड इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिए है 3 फुल टीस्पून का अपना कर्ड ले लिया है मैंने पूरा, और मैं डालते जाऊँगी, मिक्स करते जाऊँगी जब तक ये क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी थिक कंसिस्टेंसी है तो हम थिक कंसिस्टेंसी तो नहीं लगा सकते, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा थिक होती है ना। तो आपको इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर लेना है, इतना ऐड करना है कि ये एकदम स्मूथ सी एंड बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, नॉर्मल सी जो कंसिस्टेंसी है वो बन जाए पैक टाइप, और इसको हम ईजीली लगा के इसको सुखा सके, वैसी कंसिस्टेंसी आपको बना लेनी है।
मैं इसके अंदर डाल लूँगी लेमन। लेमन आपकी स्किन को ब्राइट करता है और अंदर से टैनिंग, डार्क स्पॉट, मिलाजमा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है ये। और आपको इसको ज़रूर डालना है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है सिर्फ वो ही नहीं डालेंगे, और जिसकी नहीं है हर कोई और डालेगा इसको, क्योंकि ये इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अंदर से जो भी आपका डर्ट है, मैल है, जो भी आपकी सनटैन है, वो अंदर से वो क्लीन करता है। जी हाँ, तो ये हमारा जल्द से अच्छे से इसको लगा करके मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं आप सभी को एप्लीकेशन बता रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से आपको अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे पे स्टीम भी ले सकते हैं। अगर आप स्टीम लेकर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। तो बस पूरे अच्छे आपके फेस पे अप्लाई कर लेना है इजीली। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है। इसको आपको लगा करके अप्रॉक्सीमेटली आप सबको 30 मिनट्स एटलीस्ट रखना है, क्योंकि मैं आप सभी को कहूँगी कि 30 मिनट्स आपको रखेंगे तो तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मतलब आप कम से कम अगर आप 20 या 25 मिनट रख सकते हैं, उससे कम नहीं, क्योंकि आपको इसको अच्छे से ड्राई करना है तभी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। जब ये अंदर जाके वर्क करेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी ये मेरा ड्राई हो चुका है और मैंने इसको 20 मिनट तक रखा था। और आप सब देख सकते हैं इसका जो कलर थोड़ा डार्क हो गया, कि अंदर अब्सॉर्ब होके इसका कॉफ़ी का कलर आ गया है। और आप सभी को इसको 30 मिनट रखना है, मैंने 20 मिनट्स रख के आप सभी के सामने रिजल्ट आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे गर्म पानी से अगर धोएंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। एंड वॉश कर लेने के बाद आप सभी देख सकते हैं इसके ऊपर शाइन एंड ग्लो आप सभी लोग देख सकते हैं। ये नेचुरल है, कोई कुछ भी मैंने इसमें नहीं किया। देख सकते हैं आप, ये जो नेचुरल ही ग्लो आया है इसके ऊपर। और इसको अच्छे से आपको वाइप ऑफ कर लेना है। वाइप ऑफ कर लेने के बाद आप देख सकते हैं एकदम क्लीन स्मूथ इतना मुझे हो रहा था ना, और मुझे कितनी की देर तक मेरा हेयर इतना स्मूथ था। इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं, मेरा वो वाला जो हेयर है ड्राई लग रहा था, लेकिन ये स्मूथ एंड ग्लोई लग रहा है। और आप सभी यकीन नहीं मानोगे, आपको कैमरे में वीडियो में उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आया। तो उसके बाद आफ्टर हम केयर कर लेंगे यहाँ पे रोज़ वाटर पे। आपको पहले अच्छे से अपनी स्किन पे टैप टैप कर लेना है फेस पे, एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल आपको अप्लाई कर लेना है। अगर आप नॉर्मली कोई भी मॉइस्चराइज़र है तो मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे लगा के जेंटली अच्छे से मसाज कर लेना है। एंड एलोवेरा भी आप सिर्फ लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन टाइट भी होती है। सो आप सभी लोग देखें, हमारी इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बन के रेडी हो गई है, और मैंने आप सभी के साथ लाइव रिजल्ट भी शेयर किया है। और आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, कि ये नहीं कि आपने देख लिया और चले गए और क्या आपने यूज़ नहीं किया। और आप सभी को जब आप यूज़ करेंगे ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा गाइस। तो आप सभी लोग बनाएं और इसको लगा कर तो देखें एक बार, फिर इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी का टैन गया या नहीं गया। कमेंट में आपको ज़रूर करना है, फीडबैक आपका लाजमी मुझे शेयर करना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही नए और मोर वीडियोज़ के वास्ते। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें जिनको भी टैन है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।